गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर मैप्स। जूम क्लासेस में ये आपका जो सब्जेक्ट है ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है? इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कंटिनेंट्स और स्पेसिफिक फिजिकल फॉर्म या लैंड फॉर्म। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाई ड्रॉइंग्स। ड्राइंग के माध्यम में हम इसको और पेपर रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक कंटिनेंट्स को, स्पेसिफिक स्टेट को, कभी कभी स्पेसिफिक आपका स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट पीरियड में हमने बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब्स एंड कंटिनेंट्स देखा था। कुछ कुछ मेरिट्स होता है, कुछ कुछ डिमेरिट्स होता है। ग्लोब्स का सारा कंटिनेंट्स को, ह्यूज कंटिनेंट्स, सुपर कंटिनेंट्स के बारे में हम पता कर लेते हैं। और आजकल आपका फोल्डेड ग्लोब भी आ चुका है, जिसको हम पॉकेट में भी ले सकते हैं, मतलब हमारी यूज के अकॉर्डिंग हम इसको कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैप्स का डिमेरिट्स क्या है आपको अगर हम देखेंगे, ग्लोब्स का डिमेरिट्स क्या होता है ना, ग्लोब का डिमेरिट ये होता है, हमें ग्लोब में एक कंटिनेंट्स के बारे में पता चलता है, पूरा वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे आपका सिटीज़ हो गया, स्टेट्स हो गया, तो उस बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। छोटा सा लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, किसमें, ग्लोब्स में। उस कंडीशंस में हम मैप का यूज़ करते हैं, समझ में आया। तो मैप क्या है? इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ए ड्रॉइंग ऑफ ए स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर ऑन व्हिच यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ ए लैंडफॉर्म्स, ऑफ ए पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। देन हम देखेंगे द पर्सन हु मेक्स द मैप, जो मैप बनाता है हम उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, बुक ऑफ मैप्स को हम एटलास बोलते हैं। तो ये था मैप्स रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि जूम पे पूरा डिटेल्स में गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। देन देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। जब हम एक मैप को स्टडी करते हैं तो उसमें रिलेटेड बहुत सारा चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले आता है आपका काइंड्स ऑफ मैप्स। मैप्स कितने टाइप्स का होता है? जनरली हम थ्री टाइप्स का मैप यूज़ करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है? द मैप इन व्हिच द स्टेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ आर कंट्रीज, ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री आर रिप्रेजेंटेड, जिसमें एक कंट्री का बाउंड्रीज होती है, स्टेट्स होता है, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जिस कंट्री मैप में हमें शो आउट करता है, जिस मैप में हमें पता चलता है, ये सबको हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। देन फिजिकल मैप्स में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आएगा, प्लेटियूज आएगा, प्लेन्स आएगा, माउंटेन्स आएगा, रिवर्स आएगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल लैंड फॉर्म्स। गंडवाला नट, जब मैंने सुपर कॉन्टिनेंट जब क्रिएशन हुआ तब हुआ टेसी आपका गंडवाला नट, जो सुपर कॉन्टिनेंट उसका फॉर्मेशन हुआ, तो धीरे धीरे हमारे लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन हुआ था। तो जो लैंडफॉर्म्स को देखने के लिए हम जनरली फिजिकल मैप का यूज़ करते हैं। देन आपका थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप में इसमें नेचुरल रिसोर्स जैसे आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कहाँ पे कौन सी माइंस मिलता है, कौन सी फॉरेस्ट है, कौन सी प्लांट्स ज़्यादा है, जैसे सहारा डिजर्ट, ये सब अलग अलग, ग्रीनलैंड, जो ये सब स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेस या एक पर्टिकुलर एरिया जिसके लिए फेमस है, वो चीज़ जिस मैप में हमें दिखाई देता है या जिस मैप के द्वारा हम पता करते हैं, इसको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशंस की अकॉर्डिंग मैप थ्री टाइप्स की है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप जिसमें अलग अलग स्टेट्स, कंट्रीज और जो बाउंड्रीज शेयर करते हैं कंट्रीज, उसके बारे में पता चलता है। फिजिकल मैप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के ऊपर पता करते हैं। देन आपका हो गया नेक्स्ट थीमेटिक मैप, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस इस सब के बारे में पता चलता है। तो ये सबसे मैप को स्टडी करने से पहले एक कार्टोग्राफर हो या कॉमन मैप हो, कॉमन मैन हो, तो सबसे पहले उसको काइंड्स ऑफ मैप्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक। नेक्स्ट हो गया हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्केल ऑफ द मैप। मैप की स्केल्स कितना है? उसमें होता है टू टाइप्स ऑफ स्केल्स यूज़ किया जाता है, एक होता है आपका स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। जनरली स्केल्स क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल डिस्टेंस एंड द मैप डिस्टेंस। सपोज हमारी घर से हमारी स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है हमारी घर से डिस्टेंस, घर और स्कूल की बीच में डिस्टेंस, तो हम मैप में तो वहाँ पर 10 किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं करेंगे, तो उस चीज़ में हमें मैप के नीचे ना एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्या ना 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है फॉर 5 किलोमीटर, मीन्स 5 किलोमीटर के लिए हमने सिर्फ 1 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ किया है। तो सपोज हमारे स्कूल के बीच में और हमारे बीच में घर के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, तो यहाँ पे हमें कितना 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा स्कूल और हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हमने 5 किलोमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो स्कूल और हमारे बीच में डिस्टेंस 10
पर्टिकुलर प्लेस टू द मैप डिस्टेंस। ओरिजिनल डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो कैलकुलेशन करते हैं हम इसको स्केल में मान होते हैं। स्केल में टू टाइप्स का, एक है आपका स्मॉल स्केल में और एक हो गया लार्ज स्केल में। स्मॉल स्केल में कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े कंटिनेंट्स हो गए जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे स्केल का यूज करते हैं। सपोज हमें वहाँ पे 10,000 किलोमीटर यूज करना है, तो 10,000 के लिए थोड़ी ना हम लेके चलेंगे वहाँ पे, हम 10,000 हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000 किलोमीटर, क्योंकि बड़ा एरिया को हमें कवर करना है, इसलिए छोटे छोटे स्केल्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि मैप में इजीली कन्वर्ट हो जाए, मतलब हो जाए, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप क्या होगा, जैसे कि छोटे छोटे शहर हो गया, आपका सिटीज हो गया, स्टेट्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, सपोज 100 किलोमीटर को हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर, मीन्स बड़ा सा एरिया को चलेगा, क्योंकि हमें इस पर ज़्यादा एरिया को कवर करना नहीं पड़ता। तो कंटिनेंट्स वगैरह के लिए बड़े बड़े स्केल को, बड़े बड़े डिस्टेंस को छोटे स्केल में मेजरमेंट किया जाता है, उसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। सिटीज स्टेट्स में बड़े बड़े शहर को या बड़े बड़े जगह को और थोड़ा सा कम करके या ज़्यादा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लार्ज स्केल में बोलते हैं, मतलब एरियाज के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे अबाउट द डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। जब आप मैप को स्टडी करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डायरेक्शंस होता है, क्योंकि टॉप को हम वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करते हैं ना, टॉप को हम बोलते हैं नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस ईस्ट, दिस वेस्ट, फोर मेन डायरेक्शंस इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को जैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाए, ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, या आपका साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया सब डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स ये दी जाती सब डायरेक्शंस हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के बारे में डिटेल से आइडिया होना चाहिए जब हम एक मैप को स्टडी करेंगे। देन सिंबल्स आता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज किया जाता है। माउंटेन्स के लिए ब्लू, जैसे कि ब्राउन कलर हो गया, ग्रीन प्लांट्स के लिए हम जनरली ग्रीन कलर का यूज करते हैं, आपका जैसे वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर, डीप वाटर बॉडीज के लिए डार्क ब्लू, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सब था, जब एक मैप को स्टडी करेंगे ये सारा चीज़ पे ध्यान देंगे, पहला है सिंबल्स, काइंड्स ऑफ मैप्स, डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स, ये सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।